सिर्फ एक गिलास पानी से आप नज़र, हसद, साया, जिन और हर किस्म की रूहानी बीमारियों का न सिर्फ सुराग लगा सकते हैं बल्कि अपना इलाज भी कर सकते हैं सिर्फ एक गिलास पानी से। मेरे साथ रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सैयदिल अंबिया व खातमुल मुरसलीन सैयदना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। हजरत, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक गिलास पानी से, सिर्फ एक गिलास पानी पीने से जादू, साया, हसद, नज़र और हर किस्म की रूहानी बीमारियों से इलाज मुमकिन है। ये जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सऊदी अरब के मारूफ झाड़ फूंक करने वाले, मारूफ रुकिया करने वाले शेख मोहम्मद हसन का नुस्खा है। उन्होंने अपने चैनल पर इसको शेयर किया है और इफादाए आम के लिए मैं आपके सामने ये नुस्खा उर्दू में बताने जा रहा हूँ। हजरत, क्या तरीका है कि एक गिलास पानी से, सिर्फ एक गिलास पानी से हम हर किस्म की रूहानी बीमारियों का न सिर्फ सुराग लगा सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि हमें वाकई कोई जादू है, कोई साया है, हसद है, नज़र है या किसी किस्म की रूहानी बीमारी है या नहीं है, और अगर है तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है। मैं आपके सामने जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ उसे अच्छी तरह से, उस पर अमल कीजिए। 1-2-3 घंटे के अंदर अंदर अगर आपके अंदर कोई बीमारी है रूहानी, तो वो ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। क्या तरीका है? तरीका ये है, एक गिलास पानी लें और इस गिलास पानी में इसको मुंह से करीब करें, जैसा कि मेरे साथ आपके सामने मैं कर रहा हूँ, और इसमें आयतुल कुर्सी पढ़ें। यूं करीब करके करके इस पानी में आयतुल कुर्सी पढ़ें और फिर एक आयत पढ़ें, मा जितुम बिही मिनस्सहर इन्नल्लाह सयुबतिलुहू। ये आयत है और आज का आखिरी जो टुकड़ा है, इन्नल्लाह सयुबतिलुहू, इन्नल्लाह सयुबतिलुहू। इस आयत के टुकड़े को 7 मरतबा इस पानी पर दम करें, करीब मुंह से करीब करके इसको पढ़ें कि आप पढ़ें तो आपकी सांसें इस पानी से टकराएं, और इस पर दम करें और फिर आप ये पानी पिए। ये जब पानी आप पिएंगे 1-2-3 घंटे के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर कोई भी किस्म की रूहानी बीमारी होगी तो वो पेशाब के ज़रिए से निकल आएगी। इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कुछ है या नहीं है। एक गिलास पानी जिस तरह से ये निकलेगा, इसी तरह से शफाफ होगा जिस तरह से आपने पिया है, इसी तरह से शफाफ होगा, इसका रंग तब्दील नहीं होगा। जिस तरह से ये पानी शफाफ है, उसी तरह से ये पानी पेशाब के ज़रिए निकलेगा शफाफ। और फिर इसके साथ साथ अगर कोई रूहानी बीमारी है तो वो निकल जाएगी आपसे। इस अमल को आप चाहें तो 1 से ज़्यादा मरतबा दोहरा सकते हैं, यानी 1-2 दिन 3 के बाद दोबारा दोहरा सकते हैं, महीने में 1 दफ़ा दोहरा सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें दोहरा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। ये नुस्खा आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को भी इस तरह का पानी पिला के, इस पे दम करके पिला सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए।